सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें तो उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 50 साल से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान इन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। अब अमिताभ बच्चन की अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ इनकी काफी सुर्खियों भरी रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रोफेशनल लाइफ में इन्हें दूसरा इंडस्ट्री का सुपरस्टार भी माना जाता है, जिन्होंने एक समय अपने जमाने के पहले सुपरस्टार कहलाए जाने वाले राजेश खन्ना को करारी शिकस्त दी थी। राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग को देखते हुए एक समय वो उनसे चिढ़ने लग गए थे और इन दोनों की कोल्ड वॉर ने एक समय मीडिया के गलियारों में काफी ज्यादा लाइमलाइट भी बटोरा था। अब 70 के दशक आते आते अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच विवादों और दुश्मनी के कई सारे किस्से सुनने में आते ही रहते थे और इन दोनों के बीच में ऐसी कोल्ड वॉर देखने को मिली जो आज तक किसी भी बड़े सुपरस्टार के बीच में नहीं देखने को मिली थी। एक समय जहां अमिताभ बच्चन अपने करियर को ऊपर उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहलाए जाने वाले राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से मन ही मन में बहुत ज्यादा चिढ़ने लग गए थे और ऐसे में अमिताभ बच्चन पर वो कई सारे कमेंट भी करने लग गए थे। बताना चाहेंगे कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को हमेशा से ही नीचा दिखाने के लिए अपने आप को नहीं रोक पाते थे और अमिताभ बच्चन के बारे में गलत टिप्पणियां करके वो काफी लाइमलाइट भी बटोरते थे, तो वही दूसरी ओर अमिताभ बच्चन इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की एक फिल्म पर उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया था जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद हो गया था और ये फिल्म थी अमिताभ बच्चन की लावारिस, जिसे साल 1981 में रिलीज किया गया था। फिल्म का एक गाना था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो अमिताभ बच्चन की आवाज में था और इस गाने पर वो थिरकते हुए नजर आए थे। अब इस गाने की खासियत ये थी कि अमिताभ बच्चन इस गाने में साड़ी पहने हुए नजर आए थे और उनका ये लुक उस समय काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था, तो वही दूसरी ओर इसी गाने पर राजेश खन्ना ने उनका मजाक बनाया था, जिसके चलते इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब एक तरफ जहां ये गाना हर किसी की जुबान पर चढ़ रहा था और हर कोई अमिताभ एंग्री यंग मैन अवतार के साथ ही उनकी कॉमिक टाइम की भी तारीफ कर रहे थे, तो वही दूसरी ओर राजेश खन्ना का कमेंट दांत खट्टे करने वाला था और राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन की इस वेशभूषा पर जो कमेंट किया था वो काफी सुर्खियों भरा रहा था। बताना चाहेंगे कि सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक यासिर उस्मान द्वारा लिखित राजेश खन्ना की बायोग्राफी में एक किस्से का जिक्र किया था, जिस किस्से में जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा था कि राजेश खन्ना ने लावारिस फिल्म पर अमिताभ बच्चन के लुक पर कहा था कि मैं अपने स्वाभिमान से समझौता कर कभी भी साड़ी पहनकर मेरे अंगने में नहीं गाता, भले इसके लिए मुझे पूरी दुनिया का सामना करना पड़ता, भले कितना भी पैसे का ऑफर आता, काका ने भले ही किसी की तरफ इशारा ना किया और ना ही अमिताभ बच्चन का नाम लिया हो, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी ने उन्हें खूब जवाब दिया था। अमिताभ बच्चन की जहां एक तरफ इस फिल्म में काफी ज्यादा चर्चाएं हुई तो दूसरी ओर अमिताभ बच्चन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लावारिस फिल्म को लेकर उन्होंने बिना नाम लिए हुए उन्होंने ऐसा कमेंट किया था। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच में साल 1970 के बाद ऐसी कोल्ड वॉर देखने को मिली जो कोल्ड वॉर काफी लंबे समय तक काफी ज्यादा सुर्खियों में रही और एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना खुद हार मान गए और अमिताभ बच्चन कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूने लगे। खैर मौजूदा दौर की बात करें तो एक तरफ जहां राजेश खन्ना का देहांत हो चुका है तो वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन आज भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं और काफी नाम और शोहरत भी कमा रहे हैं।